everyone good morning welcome back to the channel so I I hope it will be audible now Abhi am I audible? Hey. तो हम बात कर रहे हैं एनवीएस की एलडीसी की ही वैकेंसी यानी कि जो हमारी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एन के डिपार्टमेंटल में काफ़ी सारी वैकेंसी आई है गुड मॉर्निंग रीमा तो उसी में हम बात कर रहे हैं जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है उसके बारे में हम जानेंगे इसका सिलेबस क्या है क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है कितने देर का पेपर रहेगा ऑनलाइन है ऑफलाइन है? है कितने मार्क्स का है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इंटरव्यू है कि नहीं है और है तो क्या वेटेज है सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए

से रिलेवेंट जो भी अपडेट्स होगी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मिलते रहे तो बाई कोरियर अगर आप घर बैठकर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप में से कोई प्रिंसिपल की आपके कलिंग में कोई प्रिंसिपल की तैयारी कर रहा है तो हमारा नया बैच प्रिंसिपल के लिए स्टार्ट हो रहा है थर्ड ऑफ जनवरी को जो एनवीएस यूपीएससी केवीएस तीनों सेंट्रल लेवल एग्जाम जो तीन बड़े एग्जाम है उन सभी को कवर करेगा तो सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर होगा थर्ड ऑफ जनवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर का बैच के लिए आप हमारे पास अभी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है तो रिकॉर्डेड बैच आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कैसे करना होगा सबसे पहले आपको स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा इसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है सर्च करेंगे आप एनवीएस या असिस्टेंट कमिश्नर तो आपको वो बैच दिखाई दे जाएगा जिसमें सारा का सारा कंटेंट वीडियो जो है नोट्स हैं टेस्ट सीरीज हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी अवेलेबल रहेंगी क्योंकि ये आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा तो आपके लिए जरूरी है कि आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन करें कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करना है ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिले तो इसमें सारी के सारी जो टेस्ट सीरीज होती है, हमारी टॉपिक वाइज जो भी टेस्ट होंगे वो आपके इसी फॉर्मेट में होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे ठीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं नोट्स ऑर्डर करने के लिए आपको करना होगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो एट एनवीएस असिस्टेंट शनर एकेडमिक फाइनेंस दोनों के लिए ही अवेलेबल है तो आप वो जो है इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की हम बात कर रहे हैं ठीक है ये नोटिफिकेशन आया था आपका फिफ्थ ऑफ दिसंबर को इसमें और भी वैकेंसी हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है आपका सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन है सेक्शन ऑफिसर फिनेंस एंड अकाउंट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ए है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एस है जे है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये सभी जो पोस्ट हैं वो एनवीएस की तरफ से आई हैं इसके अलावा दो और भी नोटिस हैं जिसमें कि आपकी जैसे जूनियर क्लर्क है इस टाइप की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो हम एकेडमिक्स की बात करें तो अकेडमिक्स में वो सभी लोग ने अप्लाई कर सकते हैं जिसको प्रिंसिपल का कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस है जो एन के प्रिंसिपल के तौर पर कम से कम तीन साल जिसने अपनी सर्विस दी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और आप रेगुलर बेसिस पर एन के जो है वो अपॉइंटी होने चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर अकेडमिक्स में टोटल टेन पोस्ट दी गई है ठीक है तो दस टोटल पोस्ट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन आपका एग्जाम है यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका रिटर्न एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है रिटर्न एग्जाम की आपकी जो वेटेज है वो सेवेंटी परसेंट है और इंटरव्यू की आपकी वेटेज है वो थर्टी है तो सेवेंटी थर्टी का आपका रेशो रहेगा फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपका जो होगा वो वन ट्वेंटी मार्क्स का है और टोटल ड्यूरेशन है वो वन ट्वेंटी मिनट्स की है यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स का है जिसको आप एक मिनट में कर सकते हैं एक क्वेश्चन को अगर आप एक मिनट देते हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं सबसे जो पहला पोर्शन है वो है हमारा एजुकेशन का जिसके चार पार्ट है और जिसमें से ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे और ट्वेंटी मार्क्स के होंगे सबसे पहले है आपका सी जो आपकी जर्नल साइकोलॉजी होती है सी है वो है आपकी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोगोजी में आप बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी साइकोलॉजी की थ्योरी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है तो बच्चे का डेवलपमेंट फिजिकल जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है ठीक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है फिजिकल है इंटलेक्चुअल जिसको हम कॉग्निशन या मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं ठीक है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट तो ये सारे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है ठीक है सेकेंड फिर आपका प्रॉब्लम ऑफ एडोल्स एडोल्स के बारे में आपको पढ़ना है कि को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है ठीके? कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को में में या होम का क्या रोल है आपका स्कूल का क्या रोल है और क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो एनवीएस का एज अ हॉस्टल और जो सोसाइटी है वो किस तरीके से डील कर सकती है एडोल्सन प्रॉब्लम को तो यहां पर आपको पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एडोल्सन की जो प्रॉब्लम है वो आपका

ठीक है तो मोटिवेशन भी इसका एक part है तो motivation भी आपको learning के साथ motivation को भी कवर करना है and measures for creating effective learning experiences, तो तो भी भी है इसमें, तो ये भी आपको cover करना है इसमें ये आपको करना ठीक है इसकी जो भी थ्योरीज है behavioristic है बिहेवियर कंस्ट्रक्टिविज्म है तो ये सारी theories जो है आपको लर्निंग में वो भी आपको करनी है फिर अ लर्निंग आउटकम क्या होता है न्यू इंक्लूजन लर्निंग आउटकम एलओ जो हमारी एनईपी में भी लिखा है तो लर्निंग आउटकम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में और पैडागोजिकल लीडरशिप ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है ठीक है ये दोनों पोर्शन भी एड ऑन है ये भी आपको लर्निंग मोटिवेशन के अलावा थोड़ा डिटेल में आपको इन टॉपिक्स पर भी जाना है इसी में सीडीपी में पार्ट है आपका थर्ड दैट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी एनईपी 2020 ही है अभी इसका इंप्लीमेंटेशन फेज चल रहा है तो ये हमारी हमेशा न्यूज में बनी रहेगी चाहे आपका रिटर्न हो या आपका इंटरव्यू हो सभी जगह पर आपकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा उसके बाद है आपका गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन क्या क्या पॉलिसीज हैं चिल्ड्रन को लेकर स्कूल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन गुड गवर्नेंस इन स्कूल सिस्टम ये आपका पूरा का पूरा पार्ट रहेगा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो तो ये आपका जो प्रिंसिपल का सिलेबस आता है उसी से मिलता जुलता है ठीक है टीचिंग मेथोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट आपका फोर्थ है जिसमें आपको डिजिटल लर्निंग के बारे में पढ़ना है आपको आई के बारे में पढ़ना है ठीक है वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव है जैसे दीक्षा पोर्टल है निष्ठा पोर्टल है स्वम है ठीक है ई लाइब्रेरी है हमारी इस तरीके से बहुत सारे जो है चीज़ें हैं स्वयं प्रभा है तो आपको जो भी वेरियस इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट वो आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं उसी के प्रोस्पेक्टिव क्या है रीच और इफेक्टिवनेस ये आपको सारे का सारा यहाँ पर कवर करना है नेक्स्ट फिर आपका आ जाएगा करिकुलम करिकुलम क्या है करिकुलम से आप क्या समझते हैं करिकुलम के टाइप्स कितने हैं करिकुलम को डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या हैं ठीक है क्या क्या स्टेजेस हैं वो सब आपका इस करिकुलम के टॉपिक में आ जाएगा नेक्स्ट है फिर आपका एकेडमिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन तो ये एकेडमिक प्लानिंग कैसे होगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन एकेडमिक कैलेंडर आप बनाते हैं कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे ये सारी चीज़ें आपकी इस डी पोर्शन में आ जाएंगी तो टोटल जो आपका 20 मार्क्स का सीडीपी है जो आपकी साइकोलॉजी है एजुकेशन पार्ट है उसमें आपका सी है लर्निंग है एंड मोटिवेशन परस्पेक्टिव इन एजुकेशन जिसमें कि एन और गवर्नमेंट एक्ट पर ज़्यादा फोकस है उसके बाद है हमारा लर्निंग जिसमें जो टीचिंग मैथोलॉजी इन क्लासरूम जिसमें डिजिटल इनिशिएटिव है करिकुलम एंड अकेडमिक प्लानिंग इसमें से आपके ट्वेंटी मार्क्स के ट्वेंटी क्वेश्चन है यानी कि एक क्वेश्चन पर आप एक मिनट देंगे तो आप एक क्वेश्चन मिनट देने के बाद अपना पेपर आराम से सोल्व कर सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका एक मार्क्स करेगा नेक्स्ट है आपका जो है सेकंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इन आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है तो अकेडमिक्स में आपका क्या है कि सबसे पहले डेली रूटीन क्या है स्टूडेंट्स की वो आपको देखना है सीबीएसई बी एस लॉज क्या है बायोलॉज क्या है एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स के बारे में क्या नॉर्म्स है वो आपको पढ़ना है थर्ड है यहाँ पर नोम्स रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ पीरियड्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पीरियड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ तक फिर लेटेस्ट नॉम एलोकेशन क्या है स्ट्रीम्स एलोकेशन के लिए क्या लेटेस्ट नॉम्स है एनवीएस के लिए वो आपको पढ़ना है एडमिशन नॉर्म्स कैसे है एडमिशन कैसे होता है जे स्कूल्स में क्लास सिक्स के लिए नाइन्थ के लिए एलेवंथ एंड स्टाफ वर्ड्स के लिए जैसे आपको पता है एनवीएस एग्जाम कंडक्ट करता है राइट right? आप ऑलरेडी एनवीएस में काम कर रहे हो तो एनवीएस एग्जाम जो कंडक्ट करता है सिक्स पे नाइन्थ पे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पता होना चाहिए उसके बाद आपका नॉम्स रिगार्डिंग इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी आप प्रोवाइड करते हो अगर स्टूडेंट का ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट जो है टीसी ले रहा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तो उसके रिगार्डिंग क्या नॉम्स हैं माइग्रेशन पॉलिसी क्या है एनवीएस की ये आपको यहाँ पर देखनी है यूथ पार्लियामेंट क्या है किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पता होगी क्योंकि आप ऑलरेडी एनवीएस में वर्क कर रहे हो तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी तो बस उसी के बारे में थोड़ा सा

इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेशल प्रोजेक्ट जैसे कि पीएम श्री है ईबीएस भी है विज्ञान ज्योति मेरी मिट्टी मेरा देश भारतीय भाषा कला उत्सव ग्रीन इंडिया इनके बारे में जो भी स्पेशल प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको पढ़ना है नेक्स्ट हमारा आर्ट इन एजुकेशन और उसके बाद है हमारा कि जो हम एग्जाम पेपर सेट करते हैं यूनिट टेस्ट टेस्ट टर्म उसके लिए क्या गाइडलाइंस है और एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है यह आपका सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा अकेडमिक्स में जो कि अगेन ट्वेंटी मार्क्स का है और इसमें से आपके ट्वेंटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट है हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड पोर्शन है हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अगेन ट्वेंटी मार्क्स का है ट्वेंटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे पहले है रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्कूल तो जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जे में क्या गाइडलाइंस है क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है या फिर जो हम मैथ है उसमें क्या गाइडलाइंस है ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको पूरी गाइडलाइंस पढ़नी है प्रोसीजर फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सीरियस केस ऑफ स्टूडेंट इनडिसिप्लिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इनडिसिप्लिन करता है अनुशासन में नहीं है और उस पर अगर आपको कोई कार्यवाही करनी है कोई एक्शन लेना है तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है उसके लिए क्या गाइडलाइंस है नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है पोक्सो एक्ट जो कि हमारा चाइल्ड के लिए सेक्सुअल एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ये आपको पढ़ना है इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है जे में क्या गाइडलाइंस है ये आपको देखनी है नेक्स्ट हमारा गाइडलाइंस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये हमारा एक्ट है एस एच डब्लू डब्लू पी पी आर एक्ट जिसको कि आजकल हम नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है पोष एक्ट ठीक है तो ये दोनों एक ही एक्ट के नाम है इस एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो चाइल्ड है लेस देन एटीन इयर्स उसके लिए पॉक्सो है बट फॉर द टीचर्स जो कि है उनके लिए हमारे पास एस एच डब्ल्यू पीपीआर एक्ट है ठीक है सेक्शुअल हेरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट है ठीक है नेक्स्ट हमारा हायरिंग ऑफ व्हीकल विकल अगर आप हायर करते हैं जेएनवी के लिए उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है मेस मैनेजमेंट कैसे होगा जेएनवी में और मेस एक्सपेंडिचर के लिए गर्डिंग क्या नॉर्म्स हैं और अदर स्टूडेंट स्टूडेंट एंटाइटलमेंट जैसे यूनिफॉर्म बेडिंग के लिए आइटम डेली यूज़ आइटम के लिए स्टेशनरी इन सब के लिए क्या नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है इसके बाद है हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ फ्री मील फैसिलिटी जो मिलती है स्टाफ को जेएनवी में उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं आप में से जितने भी लोग हैं कभी ना कभी आपने मेस फैसिलिटी भी मैथ्स में भी अपनी ड्यूटी दी होगी तो उसके बारे में आपको पता होगा हाउस सिस्टम होते हैं जे में उसके बारे में आपको पढ़ना है जो स्कूल का विद्यालय का विकास निधि है बेसिकली नवोदय विकास निधि तो उसमें से कैसे खर्च किया जाता है कैसे फंड आता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ हैं जे लेवल पर जैसे बी है वी है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी पी एस -टी पेरेंट टीचर कॉरपोरेशन तो ये सारी कमेटीज़ के बारे में भी आपको स्टडी करनी है नॉम्स फॉर कंडेमिनेशन ऑफ आर्टिकल्स रीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड लाइब्रेरी बुक्स इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आपको पढ़नी है इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति में अलॉटमेंट कैसे है अलॉटमेंट कैसे होता है कैसे जो है रेजिडेंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं अलॉटमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए हैंडलिंग ऑफ कंप्लेन इंक्लूडिंग सीवीसी गाइडलाइंस ऑन एट ठीक है तो कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको आप कैसे करेंगे इंक्लूडिंग की अगर हमारा कोई विजिलेंस एंगल भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी आप कैसे जो है हैंडल करेंगे वो आपका आ जाएगा नेक्स्ट पोर्शन है हमारा थर्ड जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट का आपका टोटल थर्टी मार्क्स का है और थर्टी जो है यहां पर आपके मार्क्स है थर्टी ही क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या क्या है आपका एस्टेब्लिशमेंट रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट डेप्यूटेशन प्रोबेशन डिक्लेरेशन सीनियरिटी प्रमोशन एम सीनियर स्केल सेलेक्शन स्केल तो जितने भी रूल्स हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा डेप्यूटेशन पे कैसे भेजेंगे फॉरन सर्विस पे कैसे भेजेंगे प्रोबेशन पीरियड कितना होगा कैसे कंफर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी प्रमोशन कैसे दिया जाएगा एम कैसे यूज होगा सीनियर स्केल कैसे सिलेक्शन स्केल कैसे है, ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए Second है हैंडलिंग एंड मॉनिटरी ऑफ कोर्ट केसेस कोई कोर्ट केस होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे थर्ड डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी के डिपार्टमेंटलोम एंड कंसेशन इन अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट में जो भी रिजर्वेशन है जैसे आप जो भी फॉर्म निकलता है तो उसमें रिजर्वेशन होती है ना एस सी ओबीसी ठीक है एस टी इस तरीके से तो और भी क्या रिजर्वेशन है और क्या कंसेशन है रिगार्डिंग दी एनवीएस तो वो आपको पता होना चाहिए फाइलिंग ऑफ ए पी ए आर एंड ए आई पी ए आर ए पी आर आपका क्या होता है जो आप ए पी आर फिल करते हो ठीक है फॉर एनुअल जो परफॉर्मेंसल अप्रेजल रिपोर्ट है वो आप जो फिल करते हो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है उसके बाद हमारा एडमिन का पार्ट है तो सी सी एस सी सी ए रूल्स यानी कि क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स क्या है हमारे सर्विस रूल्स जिसके तहत की कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है जिसमें कि हमारा सस्पेंशन पेनल्टी के बारे में मैंशन है ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल जो कि हमारा है काइंड ऑफ कोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रूल कि क्या क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सारे रूल्स हमारे इस सीसीएस रूल में मेंशन है नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग टाइम रूल कि जब भी किसी पर्सन की ज्वाइनिंग होती है या ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर उसका हेडक्वार्टर चेंज होता है तो उसको कितना ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा कितना टाइम दिया जाएगा नए हेडक्वार्टर पर उसको ज्वाइन करने के लिए उसके लिए जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपकी इसमें है नेक्स्ट है हमारा लीव रूल्स तो सीसीएस लीव रूल्स यहाँ पर आपको पढ़ना है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल्स जब आपने प्रिंसिपल का एग्जाम दिया होगा तो आप इन सब भी रूल्स से गो थ्रू हुए हो ठीक है उसके बाद हमारा एल लीव ट्रेवल कंसेशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स है वो आपको पढ़ना है नेक्स्ट है हमारा कंसेशन व्हेन पोस्टेड टू हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन अगर किसी को हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन पर पोस्ट किया गया क्या कोई कंसेशन मिलता है कोई किसी तरीके का अलाउंस मिलता है कोई कंपनसेशन मिलता है वो आपको पढ़ना है आरटे एंड ग्रेवियंस डिस्पोजल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है और किस तरीके से जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आप कैसे शेयर कर सकते हो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्ट है या कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम्ट है कोई जो है आ, यहाँ पर जो है अपील करता है तो उसके लिए कैसे ग्रेवियंस डिस्पोजल होगा वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नेक्स्ट हमारा एनएस ऑन ट्रांसफर पॉलिसी क्या है और compassionate compassionate क्या होता है? नाम से पता कई बार क्या होता है कि मान लीजिए तो तो नहीं एम्प्लॉय फ्री है या तो हम उसको रिटायरमेंट दे सकते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं उसके इक्विवेलेंट पोस्ट को हम खोजते हैं कि कोई ना कोई पोस्ट उसके लिए अवेलेबल किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और हेड क्वार्टर पर तो वो उसके लिए क्या हमारे रूल्स एंड रेगुल

नेक्स्ट है हमारा पे फिक्सेशन कैसे होती है तो पे फिक्सेशन हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है आपको पी एफ एम एस के बारे में पता होना चाहिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके की पेमेंट करने के लिए तो ये पी एफ एम एस कैसे है जैसे आपके स्कूल को भी फंड मिलता है ए टी एल आप यूज करते हो तो ये सब पी एफ एम एस थ्रू पेमेंट होती है तो ये क्या है ये आपको पढ़ना है नेक्स्ट हमारा जी एफ आर रूल्स हम पढ़ते हैं तो जी एफ आर के साथ साथ हमारा जेम पोर्टल भी है अगर आपको कोई भी सामान प्रोक्योर करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस

जे, जे हम यूज करते हैं तो एनीवेज का क्या प्रोसेसर है आपको वो पता होना चाहिए मेडिकल अटेंडेंस रूल हमारा होता है CSMA रूल्स ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नेक्स्ट हमारा टीए रूल्स टीए रूल्स हमारा जो ट्रैवल अलाउंस है टीएडीए जो हम बोलते हैं ट्रैवल अलाउंस और जो हमारा डेली अलाउंस है वो आपको यहां पर पता होना चाहिए तो ये भी आपको यहां पर कवर करना है ठीक है नेक्स्ट है हमारा इसी में नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी ये हम अलाउंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी जो आपके बच्चे की फीस जाती है उसको आप कैसे कंपनसेट करवा सकते हैं वो हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मिलता है बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की भी सब्सिडी हमें मिलती है तो वो हमारा एच हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस में आता है नेक्स्ट है, दे है, है तो क्या, क्या मिलते है? क्या होता है जो एज हमारी गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब है उस एज पर रिटायरमेंट यानी कि सिक्सटी ईयर्स है तो अगर कोई सिक्सटी ईयर की एज पर रिटायरमेंट लेता है उसको क्या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे अगर कोई बी लेता है या रिजाइन कर देता है उसको क्या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर पढ़ना है उसके बाद है हमारा सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम ठीक है जो एनवीएस पर अप्लाई होती है वो आपको यहाँ पर कवर करनी है एनपीएस लिखा है लेकिन इससे पहले आपको बैकग्राउंड देखना होगा कि ओल्ड पेंशन रूल क्या है तो वो भी आप यहाँ पर कवर करेंगे उसके बाद आ जाता है हमारा इनकम टैक्स का पार्ट इनकम टैक्स में जी एस टी या जो भी अदर रेलिवेंट स्टेट्यूटरी प्रोविजन है पेमेंट्स ऑफ बिल के लिए वो आपको यहाँ पर कवर करना है तो इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपका पार्ट रहेगा उसके बाद है आपका कि जो आपका डीडीओ है ड्राइंग एंड ऑफिसर है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये आपको कवर करना है ये तो आपका डी पार्ट हो गया जिसमें ट्वेंटी मार्क्स में ट्वेंटी क्वेश्चन है नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्शन में आपका टेन मार्क्स का टेन क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें आपका बिल्डिंग नॉर्म्स आपको पता होना चाहिए होगा जे एनवी बिल्डिंग का वो आपको पता होना चाहिए तो टोटल हमारे पास यहाँ पर पांच पोर्शन है जिसमें सबसे पहला पोर्शन हमारा था एजुकेशन का जिसमें हमारा सी डी पी लर्निंग परसपेक्टिव इन एजुकेशन टीचिंग मेथोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट है जो हमारा ट्वेंटी मार्क्स का ट्वेंटी क्वेश्चन है सेकेंड हमने डिस्कस

आपका दो घंटे का पेपर है और ऑनलाइन पेपर हो आपका, तो आपका तो 120 120 तो आप सोल्व कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है हर एक पार्ट के लिए कई बार क्या होता है जब हम ऑनलाइन एग्जाम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारी पार्ट स्पेसिफिक लिमिट होती है कि आपको हिंदी के लिए बीस मिनट ही मिलेंगे आप उसको इसमें हिंदी ही करना है फिर इंग्लिश करना है तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है आपको पूरे पेपर का वन ट्वेंटी है कोई सेक्शन वाइज इस तरीके से नहीं आएगा तो ये आपके लिए यहाँ आप पर बेनिफिट है प्लस पॉइंट है अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है असिस्टेंट कमिश्नर अकेडमिक का इसका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है अगर आप इसके नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो वन जीरो एट पर ठीक है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो जो भी बुक्स होंगी वो आपके एक एक एग्जाम स्पेसिफिक की बुकलेट्स होंगी उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा लेकिन जब आप नोट

ऑफ जनवरी से न्यू स्टार्ट होने वाला है लाइव बैच उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं जो जो भी आपको आपको करवाया जाएगा उसके आपको मिलेगी, जो कि आपकी ऐप पर अवेलेबल रहेगी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे साथ ही साथ जो भी सेक्शन होगा उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर ही प्रोवाइड की जाएगी तो यह थी पूरी डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है एक बार फिर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जिसमें आप अपना नाम सिटी और एग्जाम नाम लिख सकते हैं जैसे कि सपोज आपका नाम है ज्योति तो आप लिखेंगे ज्योति सिटी है दिल्ली तो आप लिखेंगे दिल्ली और एग्जाम है आपका एनवीएस असिस्टेंट कमिश्नर तो आप इस तरीके से लिख देंगे जो भी आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है फाइनेंस है वो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं अकेडमिक्स या फिनेंस तो ठीक है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके ऐप आप पर मिलती रहेगी तो ये थी पूरी डिटेल्स आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दी नोट्स रिगार्डिंग दी कोर्स लाइव बैच है या रिकॉर्डेड बैच है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच बब बाय टेक केयर